गाइज SKN वर्सेस SLZ 22 अगस्त है आज शाम का ये मैच है CPL T20 लीग का। तो गाइज आज 22 अगस्त का ये मैच कवर कर रहा हूँ SKN वर्सेस SLZ का। यहाँ पर अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं पहला मैच है CPL का, ठीक है। बाकी दूसरा मैच तो रात को 3 बजे खेला जाएगा। इस वीडियो में मैं SKN वर्सेस SLZ को कवर कर रहा हूँ, आपको अच्छी सी अच्छी एक ड्रीम इलेवन की टीम बना के दूंगा और बताऊंगा यार प्लेइंग इलेवन में चेंजेस होने वाले। इंजरी की रिपोर्ट थी वो ठीक हो चुकी है, इंजरी की जो रिपोर्ट थी पिछले मैचेस की वो आ चुकी है और कुछ प्लेयर बाहर से अंदर आएंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सबसे पहले बात करता हूँ SKN की टीम से। देखो दो मैचेस खेले, दोनों के दोनों हारे, हालांकि टीम इनकी अच्छी है। मैं साफ बोल दूँ टीम इनकी अच्छी है। सबसे पहले देखो ओपन करता है इनके लिए लिन, जो दोनों मैचेस में ठीक ठाक किया, स्टार्ट मिला कन्वर्ट नहीं किया। सेम लिविस के हाले, स्टार्ट मिला बड़ा कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। आपको इन दोनों में से किसी एक को लेके चलना अपनी टीम में। 3 नंबर पर निक कैली खेलता है, लेकिन इस मैच में आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर न्यूज़ दे दूँ, सोहेल तनवीर गई। सोहेल तनवीर की पहले मैच में, पिछले मैच में इंजरी हो गई थी, टॉस पे पता चला था जब कैप्टन रायड एमरेड ने बोला था कि सोहेल तनवीर अनबीटेड, इसलिए डोमिनिक डार्केंस को खिलाया इन्होंने और डोमिनिक डार्केंस ने 1 विकेट लिया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 विकेट मैंने लिखा हुआ है और इन्होंने बल्ले से 8 रन बनाए थे, ठीक है। और सोहेल तनवीर की देखिए इंजरी की इनका फिजिकल टेस्ट होना है बाकी है, लेकिन इन्होंने नेट सेशन में प्रैक्टिस करी है तो बॉलिंग भी करी है, तो इस हिसाब से अब देखने से यही लग रहा है कि फिट है, तो आपको अपनी टीम में पिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ में बता दूँ, जोशुआ डी सिल्वा का फिटनेस टेस्ट हो चुका है और पास हो चुके हैं, ये आपको टीम में प्लेइंग इलेवन दिखेंगे। पहले मैच में 41 बनाए थे 41 गेंदों पर, हालांकि बहुत धीरे खेले थे जिसके कारण की टीम हार गई थी, 5-6 रनों से हारी थी, ठीक है। तो आपको जोशुआ डी सिल्वा इस मैच में खेलते हुए दिख जाएंगे। अब या तो जेमार हैमिल्टन बाहर जाएगा या तो निक कैली, ज़्यादा चांसेस है कि जेमार हैमिल्टन ही बाहर जाएगा। अब गाइस यहाँ से टॉप ऑर्डर से बात करते हो प्लेइंग इलेवन क्या होगा। क्रिस लिन, एवन लेविस, 3 नंबर पे आएगा आपका जोशुआ डी सिल्वा, 4 नंबर पे आएगा आपका बेन डंक जो कि अभी तक टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा कर रहा है, 34 और 29। 5 पे आपका रामदीन आएगा, 6 पे आपका आएगा, 6 पे आएगा सोहेल तनवीर, सॉरी 6 पे यहाँ पे निक कैली आएगा क्योंकि निक कैली का बैटिंग ऑर्डर अब नीचे हो जाएगा, 6 पे निक कैली, 7 पे आएगा सोहेल तनवीर, 8 पे स्टोरी। इस स्टोरी को ड्रॉप मत करना, बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहा हूँ मैं इस मैच में, बहुत तगड़ा ऑप्शन होगा। उसके बाद ठीक है शेल्डन कॉटल और रायड एमरेड आपके परमानेंट है। उसके बाद जॉन रस को आप ड्रॉप कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगर अल्जारी जोसेफ पूरी तरह से फिट है तो। अल्जारी जोसेफ की कोई न्यूज़ नहीं है इस मैच में, ठीक है। तो गाइस ये तो बात हुई SKN की। आप इंपॉर्टेंट प्लेयर सुन लीजिए, क्रिस लिन और इवन लिविस में से कोई एक आपको पिक करना ही करना है। उसके बाद दूसरा आपको सोहेल तनवीर प्लेइंग इलेवन में है तो आपको पिक करना ही करना है, ठीक है। बाकी नीचे बॉलिंग में से इश सोडी को आपको अपनी टीम में पिक करना ही करना है। आप विकेट इसको इस मैच में अभी तक पहले मैच में 1 मिला था और दूसरे मैच में नहीं मिला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है गाइस आपके लिए सोहेल तनवीर, सॉरी इश सोडी, सोहेल तनवीर तो है ही, इश सोडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पिक करना ही करना है। कम मत समझना लेग स्पिनर बहुत सक्सेसफुल होते हैं इन पिचेस पे, इस पिचेस पे देखिए अभी तक सोहेल तनवीर सक्सेसफुल नहीं रहा, हालांकि इकोनॉमी रेट इसका अच्छा है। कैच इसकी गेंद पर एक चीज़ और कर दूँ गाइस, पिछले मैच में इसकी गेंद पर 2 कैचेस छूट चुके हैं, तो आपको अपनी टीम में पिक करना ही करना है। और एक और बड़ी बात बता दूं, 2 में से 1 कैच जो है इसके कप्तान रेड एमरेड ने ही छोड़ा था, ठीक है। चलो अब मैं दूसरी टीम की बात करता हूँ, सेंट लूसिया जोकोस SLZ की। 2 मैचेस इन्होंने भी खेले, 158 बनाए थे पहले मैच में, दूसरे मैच में गई बारिश आ गई थी। पिछला जो कल रात का मैच हुआ था, कल तो मैच ही नहीं हुआ, परसों रात वाले मैच में बारिश हो गई थी और 50 पे 3 इनको 48 रन चेस करने थे इन्होंने, 5 ओवर का मैच हो गया था, बहुत छोटा हो गया था मैच और इन्होंने 50 पे 3 बना दिया। हालांकि राशिद खान को बहुत पिटाई करी थी गाइज पिछले मैच में, राशिद खान पे काफ़ी रन पड़े थे, हेनरी फ्लेचर ने काफ़ी रन मारे थे और मोहम्मद नबी जो उनके कप्तान हुआ करते उन्होंने राशिद खान को बहुत ठोका था। खैर छोड़ो, इनके लिए ओपन करेंगे रहीम कॉनवल, आप जानते हैं यार अच्छा खिलाड़ी है, लंबे लंबे हिट लगा सकता है, आपको 1 से 2 ओवर करा के देगा, इससे ज़्यादा नहीं कराएगा। 1 विकेट इसके पास है, पहले मैच में 9 रन देकर के 1 विकेट लिया था, 9 रन और 14 रन इसके अब तक के 2 मैचेस का स्कोर है। आंद्रे फ्लेचर विकेट कीपर पर 16 रन पिछले मैच में बनाए, मार्क दयाल पिछले मैच में 1 विकेट नहीं लाए लेकिन इस मैच में आपको बॉलिंग कराता ये नहीं दिखेगा, कारण मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। 17 और 5 इसने 2 मैच में बनाए, न्यूजबिला चंद्रान पहले मैच में 25, दूसरे मैच में 5 फ्लॉप रहा। रोस्टन चेस पहले मैच में 52 बनाए, इस मैच में बैटिंग नहीं आई क्योंकि यार ओवर का जो मैच था वो 5 ओवर का हो गया था और रोस्टन चेस से पहले मोहम्मद नबी बैटिंग करने गया, टेरेंस सैमी गया, तो देखो लेकिन गेंदबाजी इसने कर दी थी, दो ओवर डाले, 2 विकेट लिए, 8 रन देकर के, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है रोस्टन चेस की तरफ से। फिर आया मोहम्मद नबी, इसको तो ड्रॉप करने का चांस ही नहीं बनता भाई, इसने तो पिछले मैच में कमाल ही कर दिया, जिताया इसी ने मैच था जब राशिद खान विकेट लेकर गया, इसने भाई एक ही ओवर में राशिद खान को 2 डाला, 12-13 रन निकाल दिए थे राशिद खान के एक ओवर में, मैच एक तरफा कर दिया। उसके बाद डरन सेमी के बारे में एक चीज़ बता दूं, इस मैच में आपको ऊपर बैटिंग करता दिखेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, पिछले मैच का चाहिए मैंने जब मैच देखा था, मैं लाइव मैच देखता हूँ इनके CPL के पूरे के पूरे, तो मैच के दौरान इन्होंने टॉस के टाइम पर एक बात कही थी कि हम पहला मैच हारे हैं, क्यों, क्योंकि मैं कप्तान हूँ और मैं बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आ रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि मैं बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आऊँगा अब से, साफ कह दिया था,
तो इस मैच में गाइस अगर आप 15 ओवर हो गए ना, 15 ओवर या 13-14 ओवर हो गए, अगला विकेट जो गिरेगा आप समझ लीजिए डेरन सैमी आएगा, ठीक है। मार्क यहाँ पे निर्जुला जदरान और रोस्टन चेज इनसे नीचे बैटिंग करेंगे, और रोस्टन चेज को आप एक ऑलराउंडर समझिए, बॉलिंग ऑलराउंडर समझिएगा इस मैच में। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखिए रखीम कॉलवेल नंबर 1-2 पे फ्लेचर खेलेगा, 3 पे मार्क दयाल खेलेगा, 4 पे निर्जुला जदरान, 5 पे आपका नबी आएगा, मोहम्मद नबी 5 पे या फिर डेरन सैमी 5 पे, और छठा भी इनमें से कोई एक आएगा, 7 पे रोस्टन चेज को खिलाएंगे। दूसरी बात ये, पिछले मैच में गाइस रोस्टन चेज ने जो 2 विकेटें ली थी वो कप्तान ने इनको तब ओवर थमाया था जब सामने दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे थे। इस मैच में ऐसा नहीं है, अब अगर यहाँ देखेंगे एसकेएन की टीम से लेफ्ट हैंडेड आपको केवल एक इवन लेविस मिलता है, यहाँ पे बेन डंक भी है मिडल ऑर्डर में, लेकिन गाइस यहाँ पे ज़्यादा इनकी टीम में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है, रामदेन भी राइट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है ठीक है, जो जोशुआ डी सिल्वा भी आएंगे भी राइट ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड है नहीं, तो इसको देखते हुए गाइस मुझे नहीं लगता रोस्टन चेज को ज़्यादा गेंदबाजी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद गाइस कैथरिक विलियम अच्छा गेंदबाज है, पिछले मैच में 1 विकेट इसको मिला है, स्कॉट को पिछले मैच में, स्कॉट ने तो पिछले मैच में बहुत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी, हालांकि एक जो विकेट था जो इनको कोरी एंडरसन का मिला वो नो बॉल दे दी गई थी, पहले फुल टॉस थी और पैन ने नो बॉल दे दी थी, लेकिन बाद में थर्ड अंपायर के पास डिसीजन गया और थर्ड अंपायर ने कहा भाई नो बॉल नहीं है, इसको आउट दो। कोरी एंडरसन का इसने विकेट लिया था, बहुत तगड़ा इसने पिछले मैच में स्पेल कराया था। उसके बाद ओबे मकोया गाइस काफ़ी पिटता है, सात बिन जाफर स्पिनर है, लेफ्ट हैंडेड स्पिनर, पिछले मैच में 2 ओवर कराए थे, 10 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला इसको, और ये आया था जहीर खान की जगह। एक चीज़ और, इनकी टीम में 7 बिन जाफर एक स्पिनर अवेलेबल है, मोहम्मद नबी एक स्पिनर अवेलेबल है, और निजबुल्ला जदरान, तीन तीन स्पिनर गाइस, मुझे नहीं लगता कि रोस्टन चेज को ज़्यादा गेंदबाजी मिलेगी। तो मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि रोस्टन चेज फिर से आपको 52 रन जैसी कोई नॉक दे देगा, 2 विकेट और दे देगा, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ 15 से 20 रन आप लगा के चलिए रोस्टन चेज की तरफ से, और अगर एक आधा विकेट मिल गया तो, अगर वो भी अगर बोल रहा हूँ मैं, वरना इसकी पिटाई हो सकती है बहुत ज़्यादा। चलो मैं ड्रीम इलेवन की टीम पर आता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने 2 टीमें बनाई हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों टीमें सेम है। सबसे पहले विकेट कीपिंग से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। विकेट कीपिंग से गाइस एंड्रे फ्लेचर को मैंने दोनों टीमों पिक किया, आप रामदीन को भी ले सकते हो, ग्रैंड लीग वाले ध्यान से सुने, रामदीन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, केवल 11% ने लिया हुआ है। एंड्रे फ्लेचर को मैंने यहाँ टीम से पिक किया क्योंकि मेरे को SLZ का एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर चाहिए। उसके बाद क्रिस लिन को मैंने अपनी दोनों टीमों पिक किया, आप चाहे तो किसी एक टीम में लिन की जगह लिविस को पिक कर सकते हैं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, दोनों ओपनिंग करते हैं, लेकिन मैं दोनों की टीमों में लिन के साथ ही जा रहा हूँ। लिविस को और जदरान को मैंने एक भी टीम में पिक नहीं किया है। फिर आया डेरन सैमी, केवल 9% है, डेरन सैमी को अपनी टीम में पिक किया, आप देख सकते हैं केवल 9% है, और मुझे पता है ना, मैंने इंटरव्यू देखा, लोगों ने इंटरव्यू नहीं देखा, सब मैच नहीं देखते, मैं देखता हूँ और मैं आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करनी होती है, इसलिए मैं देखता हूँ मैच। तो भाई केवल 9% ने लिया हुआ, इसने टॉस के टाइम पर साफ कह दिया था भाई मैं बैटिंग करने के लिए इस मैच में ऊपर आऊँगा, और पिछले मैच में भी आया, इस मैच में भी आएगा। नीचे आता हूँ गाइस, बेन डंक को मैंने एक टीम में पिक किया, एक टीम में निक कैली, क्योंकि थोड़ा सा ग्रैंड लीग के हिसाब से देख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे SKN से बेन डंक की जगह निक कैली को पिक किया है, थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए। बाकी नबी, रखीम कौल और सोहेल तनवीर को मैंने पिक किया है। देखो जो लोग ना सेफ जाना चाहते हैं, आप लोगों में से बुरा नहीं बोल रहा आपको, लोग जो जो लोग चाहते हैं कि अच्छे प्लेयर जिन्होंने अच्छा किया मैं उनको लूँ, तो आप रोस्टन चेज को लीजिए, टीम वन आपके लिए है, और बेन डंक जो कि अच्छा कर रहा है ये टीम वन में, ये अच्छा कर रहा है ये आपके लिए है, टीम वन आप बिल्कुल जाइए। लेकिन जो लोग थोड़ा मेरी सोच के साथ सोच रहे हैं कि भाई आप आपका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, जो आप रिस्क लेते हो वो अच्छे अच्छे जिताते हैं, तो आप लोगों के लिए टीम टू है। बॉलिंग सेक्शन जाऊँ तो क्रैसरिक विलियम्स को मैंने आप टीम टू में पिक किया है, और स्कॉट को रखा हुआ है। बाकी यहाँ से मैंने शेल्डन कॉटरल को पिक किया, शेल्डन कॉटरल की जगह रियाड एमरेड मैंने एक चेंज किया, इस स्टोडी को मैंने दोनों टीमों पिक किया, बाकी नीचे से मैंने किसी को अपनी टीम में पिक नहीं किया। यहाँ पर आप देखेंगे गाइस एक यहाँ पर चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हाँ कैसरिक विलियम्स स्कॉट मेरे 2 बॉलर हैं, और उसके बाद सोडी और रियाड एमरेड 2 बॉलर है, तो मैंने यहाँ पे 4 बॉलर्स रखे हैं, उसका कारण यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने रोस्टन चेज टीम वन में एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला दिया, इसको मैं बोलिंग के तौर पे खिला रहा हूँ। टीम का प्रीव्यू देख लीजिएगा, इस विकेट कीपर तो दोनों में एंड्रे फ्लेचर है, बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन बने। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यार, बैटिंग में से कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ क्रिस लिन हो सकता है जिसको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन कुछ बना सकते हो, बाकी दोनों ही टीमों में से ना ही एंड्रे फ्लेचर ना ही इवन लेविस किसी को ट्राई मत करना, क्योंकि बॉलर्स को अगर दो विकेट भी मिल गए ना तो यार वो आपको 60 पॉइंट के आसपास दिला देगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बॉलर ड्रीम इलेवन में। तो मोहम्मद नबी आपके लिए नंबर 1 ऑप्शन रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन का, उसके बाद सोहेल तनवीर, उसके बाद मैं कहूँगा रखीम कॉनवल भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, उसके बाद आप बॉलर में से कॉटरल को बना दीजिए, सोडी को बना दीजिए, सोडी बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा, ग्रैंड लीग वाले ध्यान से सुने, सोडी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर।